जंग है वो एज यू नो वेरी वेल के वो एटम बम की है। वेल भारत की या इंडिया की मिलिट्री तो वैसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत ने एक बहुत बड़ी अमाउंट बल्कि अपने पूरे बजट का एक चौथाई हिस्सा डिफेंस बजट में इन्वेस्ट में मायरा बट एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना चाहिए एंड दिस इज व्हाट भारत डिड। भारत ने एक बहुत बड़ी अमाउंट बल्कि अपने पूरे बजट का एक चौथाई हिस्सा डिफेंस बजट में इन्वेस्ट किया है क्योंकि भारत चाहता है कि वो अपनी मिलिट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग करे और मॉडर्नाइज करे। वेल इसके पीछे एक और वजह भी है कि भारत के चीन के साथ जो इख्तलाफात चल रहे हैं और इन फ्यूचर हम ऐसा नहीं चाहते बट ऐसा हो सकता है कि उनके इख्तलाफात अगर शिद्दत इख्तियार करते हैं तो मे भी उनके बीच में जंग हो सकती है। तो भारत ने जितने भी उनके सरहदी इलाके हैं जो चीन से अटैच हैं वो सारे टूट फूट का शिकार थे। तो भारत ने उन तमाम तर सड़कों को जल्दी से जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया है, यानी ना सिर्फ अपने डिफेंस बजट पर बल्कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारत बहुत अच्छे से जो है काम कर रहा है। आज इसी हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि भारत के इस स्टेप पर, इस इनिशिएटिव पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अफान अहमद। ठीक है अफान, मुझे बताइएगा कि भारत ने 67 बिलियन जैसे एक बहुत ह्यूज अमाउंट अपनी डिफेंस बजट में इन्वेस्ट किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली डिफेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री। एक कंट्री की सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योर होना, हर चीज़ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है वो सिक्योरिटी पे ही होता है। तो अगर कोई कंट्री अपनी सिक्योरिटी पे स्पेंड करता है दिस इज़ ऑलवेज अ गुड साइन, डिपेंडिंग के उसकी सिक्योरिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इशूज़ इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी पे और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दोनों पे ज़्यादा ज़्यादा फंड स्पेंड होना चाहिए सो दैट के आज जो हम लोग बिल्कुल एक फ्री ह्यूमन बींग्स की तरह घूम फिर रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी थिंग, इट्स अ गुड साइन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है फॉर द सिक्योरिटी। जो इख्तलाफात चल रहे हैं भारत के चीन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि चीन को भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? वेल भारत की या इंडिया की मिलिट्री तो वैसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी ऑल नो दैट, ड्यू टू द पृथ्वी सोल्जर्स एंड इनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड चाइना के हिसाब से बात कर, चाइना इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बट इंडिया के कंपेरिजन में देखा जाए तो दे आर हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। डेफिनेटली जी, अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया है तो हर एक जो मुल्क है वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी फौज को जो है वो करती है, डिफेंड करती है, उन पे जो है वो इन्वेस्ट करती है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो भी डेफिनेटली, हम अगर यहाँ पे महफूज फिर रहे हैं, आप फिर रही हैं, तो वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से फिर रही हैं। तो इसी तरह हर मुल्क को अपनी जो है वो आर्मी के लिए, क्योंकि वो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड स्टेप कि वो हमारे लिए या इंडिया के लिए, इंडिया हो पाकिस्तान हो कोई भी हो, हर मुल्क को चाहिए कि वो अपनी फ़ौज की जो है वो उनको करे, आप करे, और ताकि वो हमारे लिए अगर मेहनत करें तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो है वो इस चीज़ को इनिशिएटिव करें। आर्मी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री के अंदर, और इंडिया ने जो ये इन्वेस्टमेंट की है अपनी आर्मी, वो इज़ इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन एन आर्मी, इट्स इन्वेस्टमेंट इन होल कंट्री। सो इसमें ये होगा कि आपकी ना सिर्फ आपकी जो है वो आर्मी जो है वो 2000 years later वो इंक्रीज की जाएगी, बल्कि उनको जो ये बजट है यूटिलाइज करके वो न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वेस्ट करेंगे और अपनी जो है वो डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ रियली पॉजिटिव पॉइंट फॉर अ कंट्री। सर भारत और चीन के इख्तलाफात चल रहे हैं, तो आपको लगता है इस वक्त चीन तैयार है भारत का मुकाबला करने के लिए? इंडिया, भारत और चीन के इख्तलाफात भी चल रहे हैं और सुना है कि मे बी इन फ्यूचर उनकी जंग हो सके, बट अभी इस पर कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो भारत ने जो चीन के सरहदी इलाके हैं जो भारत से अटैच्ड हैं वो सड़कें काफ़ी टूट फूट का शिकार थी और भारत ने उस पर तेज़ी से काम शुरू की है, रोड्स बनाना शुरू कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट एंड इफ़ दे आर वर्किंग ऑन इट दैट्स रियली गुड। जो उनको नुकसान हुआ वो मेरे ख्याल से आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको फ्यूचर में हमें अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई रिफॉर्म्स, पॉलिटिशियंस को चाहिए कि कोई ना कोई रिफॉर्म्स ऐसे बनाएं कि आपस में, ऑब्वियसली आप एक नेबरिंग कंट्री हैं तो दे शुड हैव अ पीस पैक्ट और समथिंग। चीन की फोर्स स्ट्रांग है,
ये कि वो भारत के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, ये इनके मुझे थोड़ा, मैं नेट सोशल मीडिया पे यूज़ करता हूँ कि वो बता रहे हैं कि ये जो अक्सर चाइनीज़ इंटरव्यू देते हैं कि कहते हैं कि जिस तरह आपका कश्मीर का मसला है ना, कभी ये हमें भी मिला होता ना मसला तो इतनी देर में हम ये हल कर देते, लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई भी बड़ा हरामी हो बेटा मसला है वो बातचीत से क्लियर किया जाए। अगर ये चीज चाइना के पास हो तो मुमकिन है चाइना एक साल में कश्मीर ले सकता है उनसे। चाहे जो भी कर लो बच नहीं पाओगे। चाहेंगे कि पाकिस्तान हो या भारत हो या इंडिया हो, वो एक दूसरे के साथ जंग करें, सबको जो है वो ये मुल्क जो है, आपको पता है इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमन होना चाहिए, तो चाहे वो कोई भी हो अमन होना चाहिए, क्योंकि अब जंग जो है हथियारों की नहीं है, अब जो जंग है वो एज यू नो वेरी वेल के वो एटम बम की है, तो उससे आपका मेरा नुकसान होगा, फौज का नहीं होगा खाली, उसमें पूरी दुनिया का नुकसान होगा, पूरी रियासत का नुकसान होगा। भारत ने 2020 में 65.5 बिलियन अमाउंट डिफेंस बजट पर इन्वेस्ट की थी, जबकि इस साल 2021 में 67 बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट की गई है। लोगों ने एक सवाल उठाया कि अब सिर्फ एक साल में इतना माइनर सा चेंज क्यों, मतलब बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों नहीं किया गया, तो यहाँ पर मैं वो याद दिलाती चलूँ कि पिछले साल यानी 2020 में भारत ने तकरीबन 60% इजाफा किया था अपने डिफेंस बजट में। और यही वजह है कि 2021 में सिर्फ थोड़ा सा बजट इंक्रीज किया गया, क्योंकि जो कमी थी वो पिछले साल ही पूरी कर दी गई थी। आज हमने पाकिस्तानी आवाम से यही जाना कि उनका क्या ख्याल है, जो भारत ने इन्वेस्टमेंट की है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, तो पाकिस्तानी आवाम ने डिफरेंट राय दी, लेकिन इन द एंड मेरे ख्याल से जिस कंक्लूजन पर मैं पहुंची हूं, किसी भी मुल्क की मिलिट्री हो, उस मिलिट्री पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी कंट्री को स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि जितने भी फौजी हैं, हमारे भाई हैं, ये सरहदों पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और इनडायरेक्टली ये हमारी हिफाजत करते हैं। सो आज के इंटरव्यू के हवाले से और इस सवाल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।